गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे जो हमारा देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मींस अपने को चांसेस देना, चाहे उनमें टैलेंट हो या ना हो। मेरा एक क्वेरी है, अगर स्टार का बेटा स्टार बन रहा है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन रहा है, और पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है, और सबसे बड़ा बात फौजी का बेटा फौजी बन रहा है, और रिटर्न में हम लोग क्या देते हैं, उनके फैमिली के ऊपर वेब सीरीज देते हैं। तो आप बताइए, ये जो नेपोटिज्म चल रहा है, इसके लिए ओनली स्टार पॉलिटिशियन और क्रिकेटर दाई है? आप और मेरे जैसे कॉमन मैन दाई नहीं है। मेरे हिसाब से हम लोग दाई है, क्योंकि जो क्राइम करता है उससे ज्यादा क्राइम को बढ़ावा देने वाला आदमी दाई है। कैसे, मैं आप लोग को तीन छोटा एग्जाम्पल से बताता हूँ। फर्स्ट, क्रिकेटर। क्रिकेट इंडियन का दिल और दिमाग है। जब क्रिकेट मैच होता है या कोई क्रिकेटर आता है, तो हम लोग सारे काम धाम छोड़ के मैच देखते हैं या उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए चले जाते हैं। अगर मैच देख रहे हैं, अगर इंडिया हार गया या अपना फेवरेट प्लेयर रन नहीं बना पाए, हम लोग गुस्सा में आके टीवी तोड़ देते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, और बहुत सारे नुकसान कर देते हैं। आप बताइए, एक तो हम काम धाम छोड़ दिए, वो नुकसान हुआ, बाकी बाद में गुस्से में गैजेट्स तोड़ दिए, उसका नुकसान हुआ। तो उनका तो नाम ही अगर सिलेक्टेड हो गया मैच के लिए, तो उनका साल का सैलरी बन जाता है, नुकसान ओनली हमारा हो रहा। और तो हम लोग उनको इतना बड़ा स्टार बना देते हैं, वो मिनट मिनट में लाखों और करोड़ कमाते हैं, और संविधान भी चेंज कर देते हैं उनको अवार्ड देने के लिए। रिटर्न में अभी इतना बड़ा देश में प्रॉब्लम चल रहा था, COVID-19, आप लोग देखे होंगे, लोग रास्ता में भूखे मर रहे थे, जाने आने नहीं कर पा रहे थे। कोई एक दो छोड़ के क्रिकेटर आए सामने कि चलो हम लोग हेल्प कर देते बंदे को, उनका पैसा से हम स्टार बने, उनका वजह से आज हमारा ये स्टार्टअप है। कोई आए हेल्प करने के लिए? नहीं, सब अपना अपना फैमिली अपना अपना मनी को लेकर सही है। अगर केस उल्टा होता, उनका फैमिली और उनके ऊपर दिक्कत आता, हम लोग क्या करते, अपना सेविंग्स निकाल लेते, व्हीकल भेज देते, गैजेट्स भेज देते, और उनको मनी देते, और कोरोना को भी ना डर के उनके सपोर्ट करने के लिए हम लोग चले आते। उन्होंने किए क्या? ऐसे नहीं किए, घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी को। और उन्होंने नहीं बोले तुम उनके पीछे भागो, उनका ऑटोग्राफ के पीछे भागो, उनके लिए मैच देखते रहो, उन्होंने नहीं बोले। ये हार्म करते हैं, और दाई किसको देते हैं? नेपोटिज्म उन लोग को। ये सब करना, अब सोचो ये राइट है या रॉन्ग है? अभी कितने यंग टैलेंटेड क्रिकेटर प्लेयर अभी इंडियन टीम प्लेस पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। एक लाइव एग्जाम्पल है अनुप चांद, जो हम लोग सोच रहे कि प्रीवियस वर्ल्ड कप खेलेंगे और इंडिया का स्टार बनेंगे। स्टार तो दूर का बात है, इंडियन टीम में उनका नाम ही नहीं आ पा रहा, तो उनके ऊपर हम न्यूज क्यों नहीं बना रहे, यूट्यूब क्यों नहीं बना रहे? नहीं बना रहे क्योंकि वो जिंदा है, वो जब मरेंगे तब बनाएंगे, तब हमारा टीआरपी बढ़ेगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर होगा। उनका कुत्ता था, उनका बीबी था, उनके ऊपर सारे अननेसेसरी बनाएंगे, इसमें हमारा टीआरपी बढ़ता है, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ता है। जब तक वो जिंदे है उसके लिए कुछ नहीं करता। सैफ अली खान ने बोले हैं कि अगर आदमी जिंदा है और उनका टैलेंट को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, मरने के बाद आप उनका टैलेंट के बारे में बात करते हो, सबसे बड़ा बेवकूफी तो यही है, और हम ये करते हैं। आप सोचिए, इसके लिए दाई कौन है? वो लोग है, और आप और हमारा जैसे कॉमन मैन है। दूसरा एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे, बॉलीवुड। बॉलीवुड इंडियन की एंटरटेनमेंट का दुनिया है, इसमें हम लोग स्ट्रेस रिलीज करते हैं। आज दुनिया भर में एक न्यूज चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की का डेथ, इसमें सारे दुनिया दुखी है, मानते हैं। जब उन्होंने जिंदे थे, उनका मूवी आ रहा था, उन्होंने पोस्ट कर रहे थे, कोई देख ही नहीं रहा था। जब मर गए, मुझे ये पता था, मुझे वो पता था, यूट्यूब चैनल में ये दे रहे हैं, न्यूज चैनल ये दे रहे हैं, क्यों मरने से पहले क्यों नहीं हुआ? अगर आज हम बोलते हैं ना, नेपोटिज्म सलमान खान किया, नेपोटिज्म आलिया भट्ट ने किए, नेपोटिज्म स्टार किड ने किए, स्टार ने किए। आप बताइए, धड़क मूवी जो है 100 करोड़ का कमा लिया, और सुशांत सिंह राजपूत का इतना टैलेंटेड होते हुए भी मूवी 100 करोड़ कमा नहीं पा रहा था, तो वो क्या स्टार ने बोला था कि मुझे देखो मेरा बेटा का मूवी है, आप जाके देखो, या पैसा दिया था देखने के लिए? नहीं, हम गए थे धड़क मूवी की देख के 100 करोड़ बनाने के लिए। तो फॉल्ट किसका है? नेपोटिज्म में सबसे बड़ा दाई वो थे या हम थे? धड़क मूवी को 100 करोड़ में पहुंचाना और छिछोरे मूवी को नहीं पहुंचाना, ये दाई कौन है? वो तो मूवी रिलीज कर सकते, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है हम स्टार किसको बनाए और स्टार किसको नहीं बनाएंगे। जब न्यूज रिपोर्टर बोलते हैं ना, स्टार हमारा अगर न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, अभी स्टार किड आ गया, तो उनके पास दौड़ के चला जाते हैं।
हम भी दौड़ते जाते हैं। अगर ये बंदा सुसाइड करेगा, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म के लिए हम दाई है। ये लोग अगर किसी प्लेस में घूमने के लिए आते हैं, हम लोग इतना भीड़ लगा देते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट अपना एग्जाम छोड़ के भी अपना फेवरेट स्टार को ऑटोग्राफ लेने के लिए चले जाते हैं। अब बताइए ये ऑटोग्राफ से क्या मिलेगा? ऑटोग्राफ लेना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आदमी से लेना है, रतन टाटा जी जैसे आदमी से लेना है। ये ऑटोग्राफ का मेहनत रखता है, इन्होंने देश के लिए किए। रतन टाटा जी बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस से पैसा से कोविड 19 को कितना करोड़ वो दिए, वो कहीं हमसे लिए नहीं, वो हमें सामान दिए, हम सामान खरीदे, वो सामान से उनको जो प्रॉफिट है उससे 500-1000 करोड़ तक वो डोनेट करते हैं। लेकिन ये स्टार जो हमारा पैसा ही है, हम मूवी देखते हैं तो उनका पैकेट में पैसा जाता है, तो 1 रुपया 2 रुपया कोई दे रहे हैं, 1-2 छोड़ के कभी आ रहे हैं? अगर ये लोग आएंगे ना, देश का जो 19 चल रहा है, कोविड 19, आधा से आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 1-2 छोड़ के कोई नहीं आ रहा। थर्ड हम बात करेंगे पॉलिटिक्स, जिसे बोलते हैं ना। रिक्वेस्ट, 2 दिन पहले मेरा एक बिहार का फ्रेंड है, उनके साथ मेरा बातचीत चल रहा था, वो बोला कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन जाता है, वो सीएम बनता है, वो मिनिस्टर बनता है, उनका बीबी भी मिनिस्टर बनता है। आप बताओ वो लोग इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, जीताने वाला और ना जीताने वाले कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। एक फैमिली में एक हस्बैंड एक एक्स कांग्रेस के लिए खड़ा होता है और वाइफ बीजेपी के लिए खड़ा होता है, हम किसी एक को जिताते हैं, जो भी जीते, लेकिन वो तो 5 वर्ष के लिए आ जाते हैं ना पावर में, तो ये सब देखना किसका काम है? हम लोग का काम है। हम तो गधा जैसा ही, हमें जिस तरह दिखाया जाता है उसी तरह हम लोग चलते हैं, तो चलेंगे हम लोग, पैसा लेके हम वोट करेंगे और नेपोटिज्म बोले कि उनका उनका बेटा ही उसका सीएम बन रहा है, उसका बीबी ही सीएम बन रहा है। भाई दुनिया का टाइम आ गया चेंज करने का, चेंज तब होगा जब हम खुद को चेंज करेंगे। हम तो ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम, अगर एक उंगली में दूसरे को तरफ कर रहा हूं तो चारों उंगली ये जो चारों मेरे तरफ आ रहा है। आप बताइए पॉलिटिशियन का बेटा अगर पॉलिटिशियन बोल रहा है, नेपोटिज्म वो कर रहा है या नेपोटिज्म हम कर रहे हैं? स्टार किड स्टार बन रहा है, स्टार हम लोग दे रहे, तो नेपोटिज्म कौन कर रहा? हम कर रहे हैं। किसको उठाना किसको गिराना वो हमारे हाथ में, वो हम कर रहे हैं, तो नेपोटिज्म मेरे हिसाब से तो हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नेपोटिज्म तो अभी हमारा लद्दाख में बन रहा है, कितना सोल्जर मर गए, कोई चैनल आ रहा है, किसने स्ट्राइक कर रहे, किसने न्यूज बना रहे इतना जितना ये लोग का देश से या इन लोग का प्रॉब्लम से हम लोग बनाते हैं न्यूज में। क्या उनका जान जान नहीं है? हमारे जान के लिए उन्होंने जान दे दिए, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, न्यूज नहीं बनाते, सवाल नहीं उठाते गवर्नमेंट को ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये क्या नेपोटिज्म नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, अभी टाइम आ गया है कि हम खुद को चेंज करें, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है ना, वो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं बन पाएगा। क्या स्टार किड का बेटा स्टार या क्रिकेटर का जाने पहचाने हस्ती का बेटा क्रिकेटर ही बने? ये हमारा हाथ में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चेंज होइए, एकजुट होइए, ताकि दुनिया हमें जिस तरह ले रहे, गधा पता है ना, अगर एक गधे एक साथ चलते हैं कुछ नहीं है, वो जम मार दिया तो दूसरे भी जम मार देते हैं, हम भी वही गधा है। हमें न्यूज कुछ दिखाया जाता है और हमें उसमें डाइवर्ट किया जाता है, हम गधे जैसे वो न्यूज में चल जाते हैं। अगर 5+2=9 भी बताया जाएगा ना, हम इंडियन इतने गधे बन गए तो 5+2=9 ही मान लेंगे, ना कि 7 मानेंगे, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए हम सोचते ही नहीं, हम दिमाग को ब्लॉक कर दिए, हमें जो दिखाया जाएगा हम वही देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा, मेरा ओपिनियन आप लोग को सही लगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्होंने भी अपना जो मेंटालिटी है चेंज कर सके। अगर आप लोगों का गलत लग रहा है तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन टाइम आ गया दोस्तों एकजुट होके ये नेपोटिज्म को हर प्लेस में बंद करना है, ये तभी होगा जब हम लोग एकजुट रहेंगे। थैंक यू।